सुपौल जिला के वीरपुरन मंडलीय मुख्यालय अंतर्गत प्रतापगंज थाना क्षेत्र में सुपारी किलर और शूटर के द्वारा घटित घटना का वीरपुर SDPO श्री पंकज कुमार मिश्रा ने टीम के साथ मिलकर गिरफ्तारी सहित खुलासा किया है। SDPO श्री पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि कुछ महीने पूर्व में पूर्व प्रमुख के भाई को अज्ञात बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके रंजिश में आकर पूर्व प्रमुख के भाई द्वारा बिना किसी सबूत के शक के आधार पर पूर्व उप प्रमुख के नाम की सुपारी किलर और शूटर से मिलकर पूर्व उप प्रमुख की जिला लीला समाप्त करने का सौदा कर डाला। हालांकि जिस उप प्रमुख का जीवन लीला समाप्त करने की सुपारी दी गई थी, शूटर के द्वारा चलाई जा रही पिस्टल फायर ही नहीं हुई। उन्होंने ये भी बताया कि तीनों अपराधियों में सुपारी किलर और शूटर शामिल है और ये अपराधी कई कांडों में भी शामिल है। अपराधियों के पास से एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस इन अपराधियों को कब से तलाश रही थी। स्वर्ण रानी के साथ सुपौल से बलम कुमार की रिपोर्ट। को लेकर क्या मामला अभी चल रहा है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? पिछले महीना 23 जून को अनमोल भारती जो प्रतापगंज का रहने वाला है उसके ऊपर में फायर हुई थी। पूरी फायर नहीं हुई थी, मिस फायर हो गई थी, जानलेवा हमला किया गया था। फिर उसके द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी, कांड संख्या 116/22। हम लोग इस कांड संख्या को अनुसंधान है तो अनुसंधान जारी किए। फिर केस का उद्भेदन हुआ, केस के उद्भेदन के बाद ये पता चला जो अनमोल भारती जो इसके अटैम्प्ट हुआ था फाइल का, उसको मरवाने के लिए पूर्व प्रमुख नारायण यादव का छोटा भाई प्रसन्नजीत 3 लाख रुपया सुपारी दिया था कि उसकी हत्या कर दी है। ये सुपारी शांता ठाकुर जो भीमनगर का रहने वाला है और उसका पूर्व में भी कई क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, उसने सुपारी दिया था 3 लाख। फिर शांता ठाकुर ने उसको मरवाने के लिए सहरसा और मधेपुरा के शूटर को तैयार किया था। दोनों शूटर घटना से 2 दिन पहले इस एरिया में आ गया था और इन लोगों को पता था जो अमोल भारती डेली घर से ब्लॉक आता है और जाता है। ये लोग 2 दिन पहले आकर के ब्लॉक का रेकिंग किया, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया कौन से गाड़ी से जाता है, कब आता है, कब जाता है। और घटना से 1 दिन पहले यानी 22 तारीख की रात में शांता ठाकुर दोनों शूटर ये लोग जो है सो सिमराही स्थित उपनयन का जो घर है प्रसिद्ध का उस घर में रुका हुआ था। घटना के दिन ये लोग फिर प्रतापगंज जाता है ब्लॉक के पास में, और जो शांता ठाकुर है वो लाइनमैन का काम करता है ब्लॉक से, जो शूटर है वो सुखानगर के पास घर के पास रहता है। और उस दौरान जो है सो सत्यजीत जो है सो शांता ठाकुर से लगातार कॉन्टैक्ट में है। जैसे ही अनमोल भारती वहाँ से ब्लॉक से निकलता है कि शांता ठाकुर शूटर को फ़ोन करते हैं और प्रतापगंज सुखानगर जो का जो रोड है वहाँ जहाँ पर मैं सुखानगर में एक पुला है वहाँ पर मैं जो है ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। दो राउंड फायर होता है लेकिन दोनों संयोग से मिस फायर हो जाती है और अमोल भारती जो है जो क्या कहते हैं जो वहाँ से भागता है, बचाव जो हमला करता है। प्रसन्नजीत का प्लानिंग ये था जो हमारे भाई का हत्या जो है तो अमोल भारती ने ही करवाया है, इसलिए इसकी हत्या कर दिया जाए और जब इसकी हत्या हो जाएगी तो हम लोग NH को जाम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को उत्पन्न करेंगे, पुलिस प्रशासन को परेशान करेंगे। इसका ये मोटिव था हत्या करवाने के पीछे। और इसमें जो है तो अभी उपनयन की क्या कहते हैं जो उपनयन का नाम ये प्राथमिकी में था, हम उस पर भी जाँच कर रहे हैं जो उपनयन यादव की संलिप्तता इस घटना में। इसमें जो प्रसन्नजीत था जिसने सुपारी दिया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सुपारी लिया था शांता ठाकुर नगर से उसको गिरफ्तार कर लिया है, जो शूटर था इसका 2 शूटर था इसमें हम लोग एक को गिरफ्तार कर लिया सहरसा से, सभी का शूटर का भी पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, लूट कांड में हाफ सेट में जेल गया हुआ है, शांता ठाकुर भी पूर्व में जो है तो कई बार जेल जा चुका है और प्रसन्नजीत की गिरफ्तारी हो गई है। और हम लोग इसमें तहकीकात कर रहे हैं जो इसमें और क्या क्या संलिप्तता थी और भी शूटर बचा हुआ है, गिरफ्तारी हम लोग जल्दी कर रहे हैं।